गाउन पहन ली है, बस अब रेडिएशन का टाइम है। सब जल्दी से एक मिनट देता हूँ, गैस कर लें इसमें क्या होगा। पेट हो रही, बहुत ज्यादा दिल घबरा रहा है, पेट हो रही। कबूतर पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, इतना जबरदस्त ये सीन लग रहा है। कैसे आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज एट लास्ट आसिफ की ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना आज आसिफ की फर्स्ट रेडिएशन है, तो क्या होता है, अल्लाह खैर करे। आप लोग सब की दुआओं पे ना, सब दुआ पे ना मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा यकीन है। और आसिफ के साथ माशाल्लाह इतनी दुआएं कि मुझे यकीन है कि आसिफ बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज पहली कीमो और रेडिएशन है, तो अभी हॉस्पिटल से कॉल भी आ गई है कि आप लोग आ जाएं आधे घंटे में, हम निकल पड़े हैं घर से। और जब बस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, सीधा ले लें, बस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। और आज इंशाल्लाह ताला पहली रेडिएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में कीमो भी हो जाएगी। अल्लाह खैर करे, कोई खैर खैरियत से हो जाए, कोई मसला ना हो। और कीमो की भी देखते हैं क्या तकलीफ़ है, कितनी को तकलीफ़ होती है, क्योंकि रेडिएशन की तो सुनने में यही आया कि बिल्कुल पेन नहीं है। फिर मुझे लगता है कॉल आई और हॉस्पिटल से ही आई है। ये देखें जी, इस टाइम हम रास्ते में हैं, आधा रास्ता हमारा क्रॉस हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुँच आए हैं। ये है शौकत खानम की एंट्रेंस, जहाँ से एंटर होने लगी हैं। चलते हैं अंदर, फिर आपको सारा दिखाते हैं। आज पहला दिन है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं क्या होता है। रेगुलर पहला दिन है, मुझे भी नहीं आइडिया क्या होता है। चलते हैं अंदर, जाके कंफर्म होगा कैसे सारा प्रोसीजर होता है, फिर साथ साथ आप लोगों को बताता भी रहूँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीपी चेक हो रहा है रेडिएशन से पहले। इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में मेरी रेडिएशन हो जाएगी, साथ में फिर कीमो स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ साथ जहाँ जहाँ कुछ जितनी कोशिश कर सका हल्के हल्के बना के आप लोगों को बताता रहूँगा। नहीं जी, मुझे गाउन पहना दिया गया है, उस दिन छोटा सी, आज बहुत लंबा पहनाता है। गाउन पहन लिया है, बस अब रेडिएशन का टाइम है। हार्ट उसी हाथ में मोबाइल है, वरना मैं दिखाता। ये देखें, ये बैंड शेड पहना दी है। और ये ना यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है बहुत गौर से, ये भी लेडीज़ खड़ी हैं, हटती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने हैं वॉशरूम के दो दरवाजे और उनके ऊपर लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वॉशरूम भी वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है इस टाइम में। भाई खड़े हुए हैं, हटते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सामने। और बस 10 मिनट में इंशाल्लाह मेरी रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद अंदर से होके आऊँगा रेडिएशन करवा के। फिर क्या हालत होती है या कैसे वीडियो बनाता हूँ, मुझे लगता है कहते तो यही है कि पेन नहीं है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह पेन नहीं होगी तो फिर इंशाल्लाह इजी होके आप लोगों से बात कर लूँगा। और ये देखें, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन वॉशरूम्स। अच्छा, ये यहाँ पे ना इन्होंने इतने अच्छे बर्ड्स, डक्स और ये शायद पीकॉक वगैरह रखे हुए हैं, पिजन्स भी हैं, तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। शाम का भी टाइम हो रहा है, आसिफ की जो है ना वो हो गई है रेडिएशन और कीमियो की टैबलेट्स के लिए अभी हम जो है वो ओरल कीमियो होनी है आसिफ की, तो अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारी। ये देखें, यहाँ से पिजन्स जो हैं सारे कबूतर पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त ये सीन लग रहा है ना। बारी बारी आते हैं और नहा नहा के उड़ रहे हैं अभी। हम हॉस्पिटल से फ्री हो गए हैं, रेडिएशन मेरी कंप्लीट हो गई है और कीमो की टैबलेट्स लगी हैं। ये रही ये टैबलेट्स, अब एक रात को, तीन रात को खानी है, नहीं तीन सुबह खानी है और चार रात के टाइम खानी है। बाहर अंधेरा भी हो चुका, काफ़ी टाइम आई लग गया क्योंकि आज रेडिएशन भी थी। और रेडिएशन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा भी पेन नहीं हुई, 1% भी। हाँ, टाइम कम लगेगा, पर ये है कि कीमो की जो टैबलेट्स दे दी है ना, डेली 7 टैबलेट्स खानी है, तीन सुबह और चार रात को, दो दिन, उसके बाद तीन कर देनी है, उसके बाद एक हफ्ता तीन दिन है, फिर उसके बाद चेकअप है। बहरहाल यहाँ पे ना वो रेडिएशन के बाद जिस्म से जान कम होती जा रही है, हाथ कांप रहे थे। इन्होंने जल्दी से मुझे थोड़ी चाय ला के पिलाई है, छोटा भाई साथ है, वो भाग गया बेचारा, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ बंद करता हूँ, घर जाके बात करते हैं। ये जी क्या लेके आई हो मैडम? ये जी लेके आई है एक पार्सल, लेके नहीं आई, मंगवाया है। अब जिसे अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। पहले सारे गैस करें। सब जल्दी से एक मिनट देता हूँ, गैस कर लें इसमें क्या होगा। एड्रेस भी है छुपा के। ये देखें जी, ये इतना बड़ा पार्सल और है हल्का सा, जो आराम से इना उठा रही है। पहले गैस करें ईमानदारी के साथ।
हाँ अब हो गया होगा, गैस हो गया होगा, नहीं हो सकता गैस खोलो, हमारी बहनें शायद थोड़ा सा आइडिया लगा लें क्योंकि ये लेडीज से रिलेटेड चीज़ है, जेंट्स नहीं लगा सकते। चलो बहरहाल ये ओपन करते हैं, देखते हैं जी क्या निकलता है। मुझे भी इतना खास आइडिया नहीं है इसमें क्या है, ये ओपन होगा फिर ही पता चलेगा इसमें से क्या निकलता है। चलो जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करो, काट वाट दो इसको शार्पर को। पैकिंग मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा दराज के साथ बहुत बेस्ट रहा है। हमने कितने ऑर्डर्स किए? बहुत ऑर्डर्स किए हमने, नहीं तू हमने, मैं तो कीता ही नहीं आज तक। मैंने काम के सिलसिले में भी किया। हाँ जी हाँ जी, बहाना काम का और मतलब अपने वाजी वाह। टेबल भी हमारा जो ना दराज से मंगवाया था वो भी किसी दिन दिखाई नहीं पता। ये जी अच्छा चलो ये निकालो, निकल ही नहीं रहा, फाड़ दो ना गत्ते को। वाओ अच्छा नहीं वाओ, सीधा सीधा नुकसान। नायरे से साइलेंट पे कर दो जरा। मैंने तो दूसरा कलर मंगवाया था। चलो खोल के देखो अब कलर जो भी आया, कलर को क्या करने है। इनके साथ मैच करके ऑफ वाइट मंगवाया था। अच्छा जी इसने किचन का ये है क्या, क्या कहते हैं इसे, डिश रैक, डिश रैक। ये जी डिश रैक मंगवाया है इसने, अभी खोल के दिखाते हैं। अच्छा ये नीचे पानी के लिए, पानी ठीक है तो इसमें। अच्छा ये प्लेट्स के लिए, ये ग्लास के लिए, और वो चम्मच चम्मच के लिए उस साइड पे, और नीचे वाली में पानी जाएगा। मैंने ऑफ वाइट कलर मंगवाया था। हाँ इसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा ना, वो पहले वाले स्टैंड में ट्रे नहीं है ना। कलेक्ट क्या होगा, इस साइड से निकलेगा, गिरता जाएगा। हाँ बहता जाएगा बिल्कुल। और ये क्या है, हंस रही है भी कुछ, नाल आइटम मंगाई होनी है इन्हें। हेलो हुन चूंडिया दी भी दराज तो लोड पेगी। वो इनके पास थी तो मैंने ऑर्डर कर दी, अब जो जरूरी थी। ये जी ये वो चूंडिये हैं जो बंदा तंग करे उसके कान पे लगा दो, ऐसी चीखा निकलती है। नाक पे ला दोगे तो मैं करके बोलेगा, एक कान पे ला दो ताकि उन तकलीफ भी होए। ताकि सारा पानी सिंक में चला जाए। चलें जी ये आया है अभी। अच्छा जी आज आसिफ की कीमियो का सेकंड डे है, और क्या हो रहा है आसिफ, पेन हो रही है? पेन हो रही है बहुत ज्यादा, दिल घबरा रहा है, पेन हो रही है। और साथ में जो है ना सूरह रहमान हमने लगाई हुई है, लेकिन पेन जो है ना वो कीमियो के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हो रहे हैं रेडिएशन की वजह से। मेरा ख्याल आपको पेन हो रही है, रेडिएशन है ना इतनी पेन दी, ये कीमो की शायद पेन रेडिएशन की है, कीमो से दिल बहुत घबराता है। चलो आप रेस्ट करो, मैं आपको कुछ खाने के लिए जूस वगैरह बना दूं। टांग में दर्द जा रही है बहुत बुरी। चलो मैं दबा देती हूँ। अच्छा जी तो अभी थोड़ी दर्द बेहतर हुई है, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर लूं, और यकीन माने अल्लाह गवाए ये सिर्फ जितनी दर्द होती है उसका 10% आपको दिखाया है, ये सिर्फ 10% तकलीफ आप लोगों ने देखी है। मुझे इतनी शदीद तकलीफ होती है, अभी भी हो रही है, पर अब यह है कि अब इतनी हो रही है कि बर्दाश्त के काबिल है। बहरहाल आपको, आप लोगों ने बताना ज़रूर है आपको व्लॉग कैसा लगा। टिकटॉक इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे फॉलो ज़रूर मस्त कर लीजिएगा। टिकटॉक पे मैं डेली लाइव भी आ रहा हूँ, आप लोगों ने वहाँ भी मेरा साथ देना है, जो जो लाइव आ सकता है देख सकता है तो वहाँ भी मुझे साथ चाहिए होगा, आप सबकी दुआएँ चाहिए होंगी। बाकी सबका बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएँ देने के लिए, दुआओं में याद रखने के लिए, और दुआ कीजिएगा बस जल्दी से अब मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊँ, थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, ये पेन से निकल आऊँ, ताकि थोड़ा सा मैं इजी हो के व्लॉग भी बना सका करूँ आप लोगों के लिए। तो आज के व्लॉग इतना ही है, आज के व्लॉग में दे इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।